ऐसा तो नहीं होगा कि 6 मार्च 2021 को एक और सरप्राइज मिलेगा, रातों रात ये खबर आएगी कि डिलिमिटेशन हो गई। जम्मू कश्मीर में कागजों में तो डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया है, लेकिन हकीकत में वो डिलिमिटेशन कमीशन है कहां पर? 6 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और उसमें गठन करता है डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर के लिए। उस कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन है, उसके अलावा सुशील चंद्र जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी एक मेंबर हैं, और साथ ही में जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ये भी कह दिया गया है कि जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई एक साल के लिए, जब से ये नोटिफिकेशन आई है तब से एक साल के लिए ही इस डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रहेंगी। एक साल तो होने वाला है, 6 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन आई थी, 6 मार्च 2021 बस एक ही महीना दूर है, आने ही वाला है। आखिर ये डिलिमिटेशन कमीशन है कहाँ और कहाँ फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है? आपको ये मालूम होगा कि जब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन जब कोई भी काम करता है उस समय पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। पब्लिक से तो जब हमने जानने की कोशिश की, अलग अलग सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से, एसोसिएशंस के अध्यक्षों से, किसी का कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन है कहाँ। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि ये डिलिमिटेशन कमीशन काम कहाँ पर कर रहा है और क्या काम कर रहा है। इस डिलिमिटेशन कमीशन को जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्हें भी कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साथी में जस्टिस हसनैन मसूदी ने तो कह दिया था कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो मेंबर पार्लियामेंट है क्या उनसे कंसल्टेशन हुई है? और किसी मेंबर पार्लियामेंट ने कह दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि डिलिमिटेशन कमीशन को रीच आउट नहीं करना है और ये कहना नहीं है कि आप हमसे बात करिए। क्या कारण है कि एक साल मुकम्मल होने वाला है और किसी को मालूम नहीं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है? साथ ही में एक वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि डिलिमिटेशन अभी नहीं होनी चाहिए, 2021 के सेंसस के बेसिस पर होनी चाहिए, अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब वो होगा या नहीं होगा इसका पता तो तब लगेगा जब 6 मार्च 2021 हो जाएगा, इस डिलिमिटेशन कमीशन की अवधि ख़त्म हो जाएगी। इस डिलिमिटेशन कमीशन की इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बंद दफ्तरों में डिलिमिटेशन कर दी जाएगी, आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, या फिर ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, पब्लिक कंसल्टेशन होगी, मेंबर पार्लियामेंट से बात की जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनसे बात की जाएगी, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। DDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो गए और DDC के चुनाव होने के बाद अब अलग अलग राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। लेकिन क्या वही प्रोसीजर रहेगा? क्या डिलिमिटेशन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे या डिलिमिटेशन से पहले ही चुनाव हो जाएंगे? क्या चुनाव होंगे? और ऐसा तो नहीं होगा कि 6 मार्च 2021 को एक और सरप्राइज मिलेगा, रातों रात ये खबर आएगी कि डिलिमिटेशन हो गई।